मेलू बैंड्स पर आत्मनान। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगी बॉक्स पो ब्रेसलेट जो एक बहुत पॉपुलर डिजाइन है। तो इसे मैंने एक अपने लिए बनाया है और एक अपनी कजिन इनाया के लिए बनाया है। लेकिन आगे चलने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोज और नई नई अपडेट्स आप टाइम पे देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बॉक्स बो ब्रेसलेट बनाने के लिए आपको 7 डिफरेंट कलर्स के लूम बैंड चाहिए। व्हाइट कलर्ड लूम बैंड चाहिए, एक एस कप चाहिए, एक हुक चाहिए और एक फिंगर टूल चाहिए। सबसे पहले हमने अपना फिंगर टूल पकड़ना है और इसके ऊपर अपना 1 वाइट रबर बैंड 3 टाइम्स ट्विस्ट करके लगाना है। उसके बाद हमने अपना 1 वाइट रबर बैंड पकड़ना है और इसको स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद एक और वाइट रबर बैंड पकड़ना है और उसको भी स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद एक रेड रबर बैंड पकड़ना है और उसको भी स्ट्रेट लगाना है। लास्टली हमने एक वाइट रबर बैंड पकड़कर इसको भी लगाना है और हमने इस वाइट रबर बैंड को हुक करना है। उसके बाद हमने इस रेड रबर बैंड के अंदर जाकर इस लास्ट वाइट रबर बैंड को हुक करना है और इस साइड पे भी लास्ट वाइट रबर बैंड को हुक करना है। उसके बाद एक ऑरेंज रबर बैंड पकड़ना है और इसको स्ट्रेट लगाना है। अब हमने इस रबर बैंड के अंदर जाकर इस रेड रबर बैंड को हुक करना है और हमने इन टू पैटर्न्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमने अपना वाइट रबर बैंड पकड़ना है और इसको स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद इस ऑरेंज रबर बैंड के अंदर जाकर लास्ट वाले वाइट रबर बैंड को हुक करना है और इस साइड से भी नीचे जाकर वाइट रबर बैंड को हुक करना है और फिर येलो रबर बैंड लगाना है और इस ऑरेंज रबर बैंड को हुक करना है। ये सिंपल सा पैटर्न आपने अपने ब्रेसलेट को बनाने के लिए फॉलो करते जाना है। आप जितना भी चाहें अपने ब्रेसलेट को लंबा कर सकते हैं और वो आप अपनी रिस्ट के हिसाब से लंबा कर सकते हैं।
इतना डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक पर्पल रबर बैंड लगाएंगे और इस वाइट रबर बैंड के अंदर जाकर ब्लू रबर बैंड को ऊपर लगाएंगे। अब हमने अपना वन वाइट रबर बैंड पकड़ कर इसके ऊपर लगाना है और पर्पल रबर बैंड के अंदर जाकर नीचे वाले वाइट रबर बैंड को हुक करना है। इस साइड पे भी हमने इसी तरह करना है। और हमने लास्टली अपना वन वाइट रबर बैंड पकड़ना है और हमने इन सारे रबर बैंड्स को हुक करना है और वंस मोर हमने अपने वाइट रबर बैंड को हुक करना है। अब हमने इसको अपने हुक पर लगाना है और हमने इसके ऊपर एस क्लिप लगाना है। उसके बाद हमने इस साइड पे और वन वाइट रबर बैंड पकड़कर इस रबर बैंड को हुक करना है। अब हमने इस वाइट रबर बैंड को भी अपने एस क्लिप के साथ अटैच करना है। ये हमारा बॉक्स बो ब्रेसलेट रेडी हो गया। आज का डिजाइन उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। देखते रहिए लूम बैंक्स। बाय।